हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीमोहन शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट, पिछले लेक्चर्स में हम इनडिफिनिट इंटीग्रल के डिफिनेशन के बारे में और उसमें यूज होने वाला कोई टर्म, जैसे यूज होने वाला टर्म जैसे हमने लिया था डिफिनिट इनडिफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो उसमें हमने बताया था कि एक्स उसमें वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है और डी एक्स को डिफरेंशियल ऑफ यक्स कर सकते हो, और जो आप साइन का प्रयोग करते थे उसे इंटीग्रल ऑपरेटर कहते हैं या इंटीग्रल साइन कहते हैं। एफ एक्स को स्टूडेंट हम लोग इंटीग्रांड कहते हैं, और फाइनल जब आप कैपिटल एफ एक्स जो आप फाइंड करके निकाल रहे थे रिजल्ट को पिछले लेक्चर्स में, उसे हम लोग प्रिमिटिव फंक्शन या एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स आप कह लें, या फिर आप इसे इनडिफिनिट इंटीग्रल कह लें स्टूडेंट, या फिर आप उसे सिंपली इंटीग्रल कह लें, तो ये सब नामों से हम उसे जानते हैं। ये पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़े थे और साथ में ये भी पढ़ने का काम किए थे कि इंटीग्रेशन क्या है। तो हाँ, हम आपको ये लेक्चर्स में हमने बताया था कि वर्किंग प्रोसेस, जब आप इनडिफिनिट इंटीग्रल को फाइनल फाइंड करोगे तो वो जो तुम्हारे पास प्रोसेस होगा स्टूडेंट, वह प्रोसेस ही तुम्हारे पास इंटीग्रेशन कहलाएगा। उसके बाद इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हमने लिया था कि अगर आप किसी इंटीग्रेशन को y इक्वल टू अगर आप लिखते हैं और अगर उसका आप ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ उसका जो है पैरेलल, आप फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व आपको जो है स्टूडेंट रिप्रेजेंट करता है, और साथ में उसके चार प्रॉपर्टीज को देखे थे। आज हम इंटीग्रेशन का एक डिफिनेशन और देखते हैं, और उस डिफिनेशन से स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि जितनी फॉर्मूला है उस बेसिक्स फॉर्मूला को फाइंड करने का काम करते हैं। इंटीग्रेशन एक बेसिक और हम फॉर्मूला देखते हैं, डिफिनेशन पहले देखते हैं क्या है। तो अब इसे स्टूडेंट आप ऐसा कर सकते हैं कि द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जिस लाइन को हमने कहा था कल हम डेरिवेटिव से जाकर हम स्टूडेंट इनडिफिनिट इंटीग्रल को डिफाइन कर रहे थे, और आज हम इंटीग्रेशन जो प्रोसेस की बात कर रहे थे उस प्रोसेस के लिए हमने डिफिनेशन बनाया स्टूडेंट। क्या प्रोसेस के लिए डिफिनेशन बनाया? द इनवर्स प्रोसेस, द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इस लाइन से स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि जितने भी बेसिक्स फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को निकाल देते हैं। ध्यान देंगे क्या हमने कहा, आप कल के डेट को जो आपका हम डिफिनेशन बताए थे उस डिफिनेशन को आप ध्यान रखेंगे। हमने कहा था कि डी वाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स, आप कैपिटल एफ एक्स का आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और ये हमारे पास स्मॉल एफ एक्स है। अब इस स्मॉल एफ एक्स का अगर हम इस पर इंटीग्रल ऑपरेटर लगा दें, ये स्मॉल एफ एक्स पर इंटीग्रल ऑपरेटर एफ एक्स डीएक्स ले लेते हैं स्टूडेंट, मतलब इनडिफिनिट इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रांड एफ एक्स डीएक्स हम लेते हैं, तो फाइनल हमारे पास प्रिमिटिव फंक्शन मतलब कैपिटल एफ एक्स प्लस सी फाइंड हो जाता है, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी फाइंड हो जाता है। आप इसका यूज करें, इसी स्टेटमेंट का आप यूज करें, और ये जो प्रोसेस है देख रहे हैं ना, इनवर्स प्रोसेस की बात कर रहे हैं। आप कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किए तो स्मॉल एफ एक्स आ गया, और स्मॉल एफ एक्स का अगर इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा। दैट इज ये इनवर्स प्रोसेस हो गया, मतलब इससे ये फाइंड किए और इससे ये फाइंड कर रहे हैं, तो एक दूसरे का जो प्रोसेस है वो इनवर्स प्रोसेस है। तो इनवर्स जो प्रोसेस है स्टूडेंट, उसी इनवर्स प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात हम एल्जेब्रिक का करते हैं, और आप एल्जेब्रिक में आए, जैसे एल्जेब्रिक
में आते हैं स्टोइक और एल्जेब्रिक में हम आपको ये हम बताए थे कि डी वाई बटे डी एक्स ऑफ एक्स का पावर यन प्लस वन। तो अब इसका जो फॉर्मूला बनाएंगे स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, एक डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो यन प्लस वन इंटू एक्स का पावर यन, ये इसका डिफ्रेंसिएशन है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो ये आपके पास फाइनल आएगा स्टूडेंट। मतलब अब हम क्या करते हैं इस पर हम आप ऑपरेटर इनवर्स प्रोसेस की बात कर रहे हैं, इंटीग्रल ऑपरेटर लगा लेते हैं यन प्लस वन एक्स का पावर यन डी एक्स लेंगे तो फाइनल हमारे पास आ जाएगा एक्स का पावर यन प्लस वन आ गया स्टूडेंट। और मान लिया जाए कि एक आपके पास में सी डैश कांस्टेंट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने लगाया। अब क्यों लगाते हैं इस पर अभी हम चर्चा नहीं की है, इसको बाद में करेंगे स्टूडेंट। तो अभी आप फॉर्मूला बनाने के लिए पहले सीखें तो ये आपके पास में सी डैश हमने किया। अब देखिए कल के प्रॉपर्टीज में हमने कहा था कि जो कांस्टेंट टर्म है वो ऑपरेटर से बाहर हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से आप कांस्टेंट टर्म को आप ऑपरेटर से बाहर कर लीजिए तो ये एक्स का पावर यन प्लस वन और प्लस सी डैश आ गया। अब यहां से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर यन डी एक्स करेंगे तो एक्स का पावर यन प्लस वन डिवाइडेड बाई यन प्लस वन और इस कांस्टेंट को भी आप डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, कांस्टेंट को भी यन प्लस वन से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब ये यन प्लस वन भी कांस्टेंट है और सी डैश भी कांस्टेंट है, दैट इज कहने का अर्थ है कि एक नए कांस्टेंट का यहां निर्माण करेगा। तो आप इसे आप ऐसे लिखे फाइनल यहां बॉक्स बना लेते हैं स्टूडेंट आपके समझने की। तो फाइनल हमारे पास आ गया एक्स का पावर यन डी एक्स इक्वल टू एक्स का पावर यन प्लस वन डिवाइडेड बाई यन प्लस वन और प्लस सी। अब सी एक कांस्टेंट है जहां कि सी बराबर सी डैश डिवाइडेड बाई या सी प्राइम आप उसको कहिए डिवाइडेड बाई यन प्लस वन है स्टूडेंट। अब देख लो कि इसका डिनोमिनेटर तो यन प्लस वन है तो डिनोमिनेटर जब यन प्लस वन है तो यन का अगर वैल्यू वन माइनस वन लेंगे तो ये फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका अर्थ है स्टूडेंट के यहां डिनोमिनेटर में जो यन है उस यन का वैल्यू माइनस वन नहीं होना चाहिए। तो आप इस बात को भी लिख दीजिए नॉट इक्वल टू माइनस वन। ये हमारे पास स्टूडेंट निकल गया एल्जेब्रिक फंक्शन करने फंक्शन, ये हमारे पास इंटीग्रेशन का फर्स्ट फॉर्मूला फाइंड हो गया स्टूडेंट। ये इंडिफिनिट इंटीग्रल एक्स टू पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स का पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन और प्लस कांस्टेंट सी और वेयर एन इक्वल टू एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, ये फर्स्ट फॉर्मूला फाइंड हो गया। ठीक इसी प्रकार से आप जितने भी फॉर्मूला हैं वो सारे फॉर्मूला को आप करके फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर में स्टूडेंट हम लोग एक्सपोनेंशियल की बात कर लेते हैं। आप एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में भी आप दो डिफ्रेंसिएशन को प्राप्त किए थे, दो फॉर्मूला याद किए होंगे। एक हमारे पास था डी वाई बटे डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब ऑपरेटर इसके ऊपर लगाएंगे स्टूडेंट, यही तो आप करता रहता। अगर आप ऑपरेटर ई का पावर एक्स डी एक्स करेंगे तो फाइनल इसका प्रिमिटिव फंक्शन ई का पावर एक्स हो गया, मैंने ई का पावर एक्स और प्लस सी आ गया। अगर आप यहां सपोज कीजिए कि आप लॉ सॉरी एक्सपोनेंशियल करेंगे ए का पावर एक्स लेते हैं तो ए का पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन का ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए। अब आप इसके ऊपर स्टूडेंट आप जो है ऑपरेटर लगाइए इंटीग्रल ऑपरेटर लगाइए ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए लॉग एक्स है सॉरी क्या लिख दिया ए लॉग ए ठीक है
डी एक्स आप लिए, तब हमारे पास इसका प्रिमिटिव फंक्शन ए का पावर एक्स हो गया। चलिए ए का पावर एक्स और एक कांस्टेंट को फिर हम सी प्राइम लिख लेते हैं इसमें। अब लॉग ए हमारे पास यहां कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को आप ऑपरेटर से बाहर कर लीजिए, तो ए का पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू हो गया ए का पावर एक्स प्लस सी प्राइम, मैंने फाइनल ए का पावर एक्स डी एक्स का स्क्वायर हम निकालेंगे इंटीग्रेशन, तो फाइनल लॉग ए डिवाइड पे आ जाएगा, तो ए टू पावर एक्स इन डिवाइडेड बाई लॉग ए और सी प्राइम डिवाइडेड बाई लॉग ए आ गया। अब देखिए लॉग ए कांस्टेंट है और सी प्राइम कांस्टेंट है, तो फिर फाइनली हम ए टू पावर एक्स डी एक्स का डिफिनिट लिखेंगे ए का पावर एक्स लॉग ए और एक कांस्टेंट सी कर लीजिए जो कि इस कांस्टेंट से बनकर बन रहा है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया और ये फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट, जिसका यूज हम लोग जो है फिर इंडिफिनिट इंटीग्रल में करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन निकालने में करेंगे स्टूडेंट। तो बस इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज करके जितना भी डेरिवेटिव में आपने फॉर्मूला पढ़ा वो सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूला को स्टूडेंट आप इंटीग्रेशन में चेंज कर ले, मतलब उसके प्रिमिटिव फंक्शन को लिख दे। अब आप लॉगरिदम में आ जाए, चलिए लॉगरिदमिक की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। यहां स्पेस थोड़ा है, ये भी यहां निकल जाए फंक्शन, इसमें भी हम ये नंबर हमारा थ्री हो जाएगा स्टूडेंट। आप डी वाई बटे डी एक्स यहां लॉग एक्स विथ बेस ई हम पढ़े थे, ये आ गया था वन बाई एक्स, वन बाई एक्स, तो आप क्या करेंगे वन बाई एक्स के ऊपर आप इंटीग्रल ऑपरेटर लगाएंगे डीएक्स, तो हमारे पास फाइनल ये प्रिमिटिव है तो ये आ जाएगा नीचे लिख देते हैं स्टूडेंट, तो फाइनल ये हमारे पास आ गया वन बाई एक्स डीएक्स इक्वल टू लॉग एक्स विथ बेस ई और प्लस हमारे पास सी आ गया स्टूडेंट, ये लॉगरिथमिक है। तो जितना भी आपने फॉर्मूला पढ़ा डेरिवेटिव का, अब डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला आप पढ़ते थे तो आप ये समझिए कि इसका ये डेरिवेटिव हुआ, मतलब इसका ये प्रिमिटिव फंक्शन है, जो प्रिमिटिव फंक्शन है वही आपका इंडिफिनिट इंटीग्रल कहलाता है स्टूडेंट। तो यही आपका इंडिफिनिट इंटीग्रल है, या एंटी डेरिवेटिव आप कह लो या सिंपल आप उसको इंटीग्रल कह लो, तो आपको यही करके आपके पूरे फॉर्मूला को स्टेबल कर लेना है, याद रटने का काम मत करना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो आप किए हो, जब डेरिवेटिव आप निकाले हो तो ये फॉर्मूला आपको याद है, तो आप सीधे देखिए ना कि इसका डेरिवेटिव ये तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये, डायरेक्ट सोचना है। कल से हम इसी लेक्चर की बात कर रहे हैं और इसी का हम पूरी थ्योरी का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़े, आप एग्जामिनेशन में भूल नहीं जाए। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल देखते हैं इसमें, अब नंबर फोर की बात करते हैं, त्रिकोणो मैट्रिक फंक्शन की बात कर हम इसलिए देख लिख दे रहे हैं कि आपको कुछ याद आता रहे। इसमें फर्स्ट आप स्टूडेंट डी वाई बटे डी एक्स ऑफ साइन एक्स की बात करते हैं और इसका डेरिवेटिव हम लोग फाइंड किए थे कॉस एक्स। अब सिंपल समझो, इस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का प्रिमिटिव फंक्शन कौन हुआ साइन एक्स हुआ, तो यहां से आप कहेंगे कि कॉस एक्स का जो प्रिमिटिव फंक्शन है मतलब इंटीग्रल जो है डी एक्स जो है वो हमारे पास फाइनल स्टूडेंट साइन एक्स आ गया और ये सी कांस्टेंट हो गया। मैं बराबर अभी कह रहा हूं कि इस कांस्टेंट को आपको लिखना है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है स्टूडेंट, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों यूज करते हैं ये हम पूरी आपको जब फॉर्मूला बता देंगे तो एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाने का काम करेंगे। जैसे नंबर सेकेंड में आता हूं, नंबर सेकेंड हम लेते हैं साइन के बाद कॉस ले लेते हैं, कॉस एक्स का हो गया स्टूडेंट माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का प्रिमिटिव फंक्शन कॉस एक्स हो गया स्टूडेंट, मतलब माइनस साइन एक्स का
डीएक्स का जो प्रिमिटिव फंक्शन हो गया वो कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स अब प्लस एक सी डैश कर लेते हैं, इस माइनस को आप ऑपरेटर से बाहर कर देंगे, अब अगले बार से डायरेक्ट लिखेंगे, कांस्टेंट डायरेक्ट भेज दिया करेंगे। तो आप जब माइनस बाहर करोगे स्टूडेंट तो क्या होगा, माइनस बाहर कर लीजिए इसको, तो आपका कॉस एक्स प्लस सी प्राइम, अब कॉस को दूसरी साइड भेजो, तो यहां से इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स हो गया माइनस कॉस एक्स और माइनस सी प्राइम। अब माइनस सी प्राइम भी एक कॉन्स्टेंट है, इसलिए आप इसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स को माइनस कॉस एक्स और प्लस सी ही कहेंगे, माइनस सी को हम प्लस सी लिखे हैं, सी प्राइम को एक नया कॉन्स्टेंट सी के रूप में हमने लिखा है। ये हमारे पास नंबर सेकेंड हो गया। आप नंबर थर्ड में आ जाओ, नंबर थर्ड हमारे पास है dy बटे dx, साइन हो गया कॉस हो गया टैन ले लो, टैन x का डेरिवेटिव हमारे पास था, टैन x का डेरिवेटिव था स्ट्रिंग sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का प्रिमिटिव फंक्शन हो गया टैन x, मतलब फॉर्मूला बना sec स्क्वायर x का आप इंटीग्रेशन किए तो sec इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx बराबर फाइनल निकल गया tan x प्लस सी। अगर नंबर चार चले tan के बाद आ जाते हैं cot की यूज करते हैं स्टूडेंट, cot x का तो इसका होता है माइनस माइनस cos x स्क्वायर x, चलिए माइनस को पहले ही भेज देते हैं स्टूडेंट, तो आप जब cos x स्क्वायर x dx का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइनल आ जाएगा माइनस cot x और प्लस c। अब दो और बच गए हमारे पास, नंबर फाइव में आ जाते हैं, साइन हो गया कॉस हो गया टैन हो गया कॉट हो गया, अब आप सेक में आ जाएं तो डी वाई बटे डी एक्स ऑफ सेक एक्स का जो आपका डिफ्रेंसिएशन होता है वो सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है स्टूडेंट, मतलब इसका प्रिमिटिव फंक्शन सेक एक्स है, यहां से आप कहोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, तो sec x प्लस सी हो जाएगा उसमें। नंबर सिक्स में आ जाओ लास्ट, dy बटे dx ऑफ, अगर आप cos x लेते हो cos x का जो डेरिवेटिव है माइनस cos x और इंटू cot x हो जाता है, अब आप इसको करोगे उसमें कि cos x cot x dx का जो इंटीग्रेशन होगा, ये सब इंटीग्रेशन लिख रहे हैं तो माइनस इधर भेज देते हैं तो माइनस cos x और प्लस c हो जाए, प्लस c हो जाए। पर बहुत ही आसान है ये, इसका डेरिवेटिव आपने साइन का डेरिवेटिव cos तो cos का इंटीग्रल आपका साइन, मतलब प्रिमिटिव पहले वाला खोजना है, साइन का कॉस तो कॉस के पहले वाला साइन, बस ठीक आप एकदम शुद्ध मधी में समझिए, साइन का कॉस तो कॉस का हो गया आपके पास क्या प्रिमिटिव साइन, कॉस का माइनस साइन तो साइन का माइनस कॉस, माइनस को इधर भेज दे माइनस कॉस और सब में सी आप इंटीग्रेशन लगाते चले जाएंगे फॉर्मूला में, तो ये हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का आप फॉर्मूला बना है। यस, तो जितना भी आप डेरिवेटिव आप पढ़े हैं वो सारे को आप इसी प्रकार से इसी मेथड से सिर्फ आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हम नंबर फाइव में आ रहे हैं, यहां इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की बात कर लेते हैं, इसमें भी तो आप डेरिवेटिव कुछ फाइंड किए थे, याद होगा आपको डी वाई वाई पी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स की बात किए थे, क्या था हमारे पास डेरिवेटिव 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अर्थ है कि इसका जब इसका प्रिमिटिव फंक्शन ये होगा, मतलब अब आपको क्या याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, ये नंबर एक हो गया। आप इसी प्रकार से बढ़ते जाओ, डी वाई बटे डीएक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चलिए माइनस को इधर भेज दे रहे हैं स्टूडेंट,
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स और प्लस सी हो गया। नंबर थर्ड में आ जाइए, डी वाई बटे डीएक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। यहां से इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का यूज करेंगे तो इसका प्रिमिटिव टैन इनवर्स हो गया, तो टैन इनवर्स एक्स प्लस सी आ गया। आपका डी वाई बटे डीएक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स करेंगे माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, तो फाइनल आपका हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स इसका टू माइनस, फिर दूसरे साइड भेज रहे स्टूडेंट तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी आ गया। नंबर फाइव, डी वाई बटे डीएक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स मोर हटा दे रहे एक्स वन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब इसका प्रिमिटिव सेक इनवर्स हो गया एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का प्रिमिटिव हमारे पास सेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो सेक इनवर्स। नंबर सिक्स में आ जाओ, डी वाई बटे डीएक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेंट हो गया माइनस 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो फाइनल हमारे पास आ गया स्ट्रेंट, इसका निकालेंगे माइनस को दूसरे साइड भेज देंगे तो एक्स वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डीएक्स का प्रिमिटिव हो गया माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट थोड़ा सा कहता है इसका सेम बातें है, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स है और ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स सेम है स्टूडेंट का आपका माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी है। तो स्टूडेंट आप बताना चाहते हैं कि आप फॉर्मूला के रूप में दोनों यूज कर सकते हैं और ये दोनों आपका इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का जो फॉर्मूला था, देखिए यहां से आप इससे भी इसको आप ट्रांसफर कर सकते थे, हमारे पास फॉर्मूला था ट्रिगो में कि कॉसाइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू आप कह सकते हो पाई बाई 2 होता था। तो यहां से साइन इनवर्स एक्स का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये तो इधर माइनस हो जाएगा तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस आपका हो गया पाई बाई 2। अब देखिए सिंपल है कि इस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी में अगर साइन इनवर्स का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स वैल्यू रख दो, मान लो यहां वैल्यू रखते तो ये क्या हो जाता माइनस कॉस इनवर्स एक्स और प्लस ये पाई बाई 2 और प्लस ये कॉन्स्टेंट, तो ये पाई बाई 2 भी कॉन्स्टेंट था और ये सी भी कॉन्स्टेंट था, ये मिलकर नया कॉन्स्टेंट का निर्माण कर देता स्टूडेंट, तो ये दोनों सेम बातें हैं अलग अलग नहीं है। तो इसलिए आपका ये कार्य कि सी आपका कॉन्स्टेंट ऑफ इंट्रीगेशन है और ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंट्रीगेशन डिपेंड करता है उसके यक्स और उसका आप कह लो कि यहां जो आपका यक्स है जो आपने फाइनल फाइंड किया उसके वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा स्टूडेंट, अभी हम एग्जाम्पल लेकर आपको हम कहते हैं कि हम बताएंगे। तो इस प्रकार से यहां भी आप कर सकते हो कि टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का जो सम होता है वहां पाई बाई 2 होता है तो टैन को आप वर्ड बदल सकते हो, फिर सेक इनवर्स और प्लस कॉसेक इनवर्स पाई बाई 2 होता है तो सेक को आप बदल सकते हो। अब कब ये फॉर्मूला दोनों सही है, इसमें भी देख लो ना ये दोनों सेम है और ये भी फॉर्मूला सही है, यहां भी दोनों सेम है स्टूडेंट, यहां भी आप देखोगे सेम है, यहां भी आप यहां भी यूज कर रहे हैं टैन इनवर्स एक्स और प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, फिर टैन को आप कॉट में बदल सकते हो, यहां भी यूज कर सकते हैं सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं, आप एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब यहां ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का कैलकुलेशन है, उससे भी आप इससे डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए
आपको दोनों याद रखना होगा, दोनों ऑप्शन आपके पास में आईआईटी के क्वेश्चन में हो सकते हैं स्टूडेंट, इसलिए दोनों याद रखना होगा। अब हमारा ये बेसिक्स जो आपने डिफ्रेंसिएशन पढ़ा था, उस डिफ्रेंसिएशन से बेसिक आप कर लो कि इंटीग्रेशन का हम लोग फॉर्मूला फाइंड कर। अब स्टूडेंट हम एक एग्जाम्पल आपको लेते हैं और उस सी के बारे में हम आपको बताते हैं। ये आप समझ चुके हैं कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, और इससे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट अपने डिफ्रेंसिएशन के जो फॉर्मूला थे उससे हम उसके प्रिमिटिव फंक्शन को मतलब इंटीग्रेशन को निकाले और डिफरेंट फॉर्मूला को बनाए। अब उसी का हम यूज फिर कर रहे हैं। आप सपोज कीजिए आपको डेरिवेटिव हम निकालने कहते यक्स स्क्वायर का, यक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, यक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप क्या कहेंगे स्टूडेंट कि टू यक्स होगा सर। आप सपोज कीजिए कि आपको कहते कि यक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होगा, तब भी आप कहते टू यक्स होगा, वन का तो जीरो। आपसे कहते कि आप यक्स स्क्वायर प्लस टू का डेरिवेटिव क्या होगा, तब भी आप कहते टू यक्स, ऐसा ऑन कुछ भी ले सकते थे। चलिए बहुत सारा एग्जाम्पल लिए, माइनस भी ले सकते थे स्टूडेंट, तब भी हमारे पास रिजल्ट टू यक्स। अब आप तो इंडिपेंडेंट इंटीग्रल कर रहे हो, यहां से जब करोगे यहां से स्टूडेंट, तब तो हमारे पास फाइनल क्या होता कि आप 2x dx का अगर आप इंटीग्रेशन करते तो ऐसी स्थिति में यक्स स्क्वायर होता। इस स्थिति में मतलब यहां ये जीरो हो जा रहा है, c जो आप फॉर्म लिख रहे थे, अगर यहां करते स्टूडेंट अगर इसको चेंज करते तो 2x dx को हम लोग क्या लिखते, यक्स स्क्वायर प्लस वन लिखते। यहां अगर करते तो 2x dx का हम लोग इंटीग्रेट क्या लिखते, यक्स स्क्वायर प्लस टू लिखते, और ये आप करते 2x dx तो इसमें क्या लिखते, यक्स स्क्वायर माइनस वन लिखते। अब आप तो समझ गए होंगे ना कि 2x dx का ही आप यदि इंडिफिनिट निकालते हैं, इंडिफिनिट इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन करते हैं, तो अब तो कहने का अर्थ है कि ये जो 2x है, ये जो 2x आ रहा है स्टूडेंट, मैंने आप डेरिवेटिव करके जो 2x प्राप्त कर रहे हो तो इसका प्रिमिटिव फंक्शन ही देख रहे ना, यन मतलब इनफाइनाइट हो सकते हैं प्रिमिटिव फंक्शन, मतलब ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रिमिटिव फंक्शन हो सकते हैं जिसका कि डेरिवेटिव 2x होता है। इसका अर्थ है कि 2x का अगर प्रिमिटिव फंक्शन पूछा जाए तो आप इस सारे फंक्शन को भी नोट कर पाए, इसलिए आप फाइनल जो है यहां 2x dx, ये 2x dx का फाइनल सी होगा, मतलब ये जो सी है आवश्यकता अनुसार जीरो भी होगा, आवश्यकता अनुसार वन होगा, आवश्यकता अनुसार टू होगा, आवश्यकता अनुसार थ्री होगा, स्टूडेंट माइनस वन होगा, मतलब ये अब वो डिपेंड करेगा उसके उस क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन दिया हुआ होगा उस कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि वो सी का मान क्या होगा। तो इसलिए तो इसे इंडिफिनिट इंटीग्रल कहते हैं, इसी कारण से इंडिफिनिट है। आप चूंकि हम कह रहे हैं इनवर्स प्रोसेस, आप एंटी डेरिवेटिव मान निकाल रहे हो उसमें, समझ गया ना, इसका एंटी डेरिवेटिव ये, इसका एंटी डेरिवेटिव ये, या इसका एंटी डेरिवेटिव ये, इसका एंटी डेरिवेटिव ये, तो इस प्रकार से 2x के एंटी डेरिवेटिव का नंबर अगर गिना जाए तो इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे उसमें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएंगे। तो आप इंडिफिनिट जब निकाले तो ये इनफाइनाइट नंबर, जितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस को स्टूडेंट जो है सेटिस्फाइड करना चाहिए, और जब वो सारे फंक्शन को स्टूडेंट जब सेटिस्फाइड करेगा तो इसका मतलब कि ये सी जो है वैरिस करेगा, और जब सी वैरिस करेगा स्टूडेंट, ये तो सी जो है वो वैरिस जब करेगा तब वो क्या करेगा, एक सिस्टम बनाएगा, वही पैरेलल कर्व का सिस्टम बनाएगा, उसी को हम बोल रहे थे कि फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट ये, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट चेंज होगा, जैसे कांस्टेंट चेंज होगा तो रूल कहता है कि वो पैरेलल शिफ्ट करना शुरू करेगा, ये थ्योरी कह रहा है, तो
ये पैरेलल कर्व को अपना शिफ्ट करना शुरू किया, मैंने आपको पैरेलल कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें। तो ये इसी कारण से, इसी सी के कारण से, कौन सा फंक्शन का आपने 2x निकाला ये आपको मालूम नहीं है, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x है ये मालूम नहीं है हमको, और 2x का हम इंडिफिनिट निकालेंगे तब ऐसी स्थिति में आप सी लगाएंगे स्टूडेंट, और कंडीशन बताएगा, कंडीशन जो क्वेश्चंस के अंदर में होंगे या और भी जो कंडीशंस होंगे उसके आधार पर आप बताएंगे स्टूडेंट की उस सी का वैल्यू क्या होगा, तब उसके हम सॉल्यूशन में हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो है बात करेंगे, तो उसको हम आगे फिर बताएंगे उसमें कि उसी कंडीशन दिया हुआ रहेगा तो आप क्या करोगे। तो इसी कारण से उसे हम इंडिफिनिट कहते हैं, इस बात को समझिए। अब हम कुछ प्रॉब्लम पर आते हैं स्टूडेंट, जो हम पढ़े हैं, जो हमने अभी फॉर्मूला निकाला, तो बेसिक्स क्वेश्चंस के ऊपर हम आते हैं स्टूडेंट। अब हम स्टूडेंट इस पर कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम, चलिए x क्यूब dx है। अब फॉर्मूला को याद रखने का प्रयास करेंगे, x टू पावर n dx का हमने फॉर्मूला लिखा, x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। पर पावर में एक ऐड कर रहे हो और डिवाइड भी वही है, n प्लस 1 ही है, तो क्या हो जाएगा उसमें, x का पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 और एक कॉन्स्टेंट c, मैंने x टू पावर 4 बाई 4 प्लस सी आपका आ गया। अब ये जो पावर लिख रहे हैं ये कोई जरूरी नहीं कि इंटीजर हो सकता है, आप ये ध्यान रखें माइनस 2 dx भी रख सकते हैं। तो यहां आप x का पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी की बात करेंगे, हर वक्त आप उसमें 1 ऐड करेंगे उसके पावर में और वो एक डिनोमिनेटर भी बनेगा, तो मैंने फाइनल माइनस 1 हो गया, x टू पावर माइनस 1 बाई माइनस 1 प्लस सी हो गया, मतलब माइनस 1 बाई x हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, ये एक नंबर। दो नंबर थर्ड में आइए, ये जो पावर है वो फ्रैक्शन भी हो सकता है इसमें, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है dx, हम एक एक बेसिक टर्म की बात कर रहे हैं ताकि आपको आगे चलकर कोई परेशानी नहीं हो। आप इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर 3 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी हो गया, तो ये ऐड कर लेना तो x का पावर 5 बाई 2 बाई 5 बाई 2 प्लस सी हो गया, मतलब ये 2 बाई 5 x का पावर 5 बाई 2 और प्लस सी हमारे पास आ गया, ये आ गया। तो ये एल्जेब्रिक का हमने यूज किया। हम एग्जांपल लेते हैं, नंबर एक 3 बाई x dx, अब ये 3 आपका बार हो गया स्टूडेंट, अब आपके पास में ये 1 बाई x dx हो गया, और फॉर्मूला आपको क्या हम बताए थे याद होगा, dy बटे dx ऑफ log x बेस e का हमने कहा था कि डेरिवेटिव 1 बाई x होगा, तो 1 बाई x का प्रिमिटिव फंक्शन क्या हो गया स्टूडेंट, log x हो गया बेस e। तो आप इसे क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, 3 इंटू लॉग एक्स बेस ई और प्लस सी हो गया। तो ये प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर उसमें कांस्टेंट टर्म है तो आप उसे ऑपरेटर से बाहर कर सकते हैं। अगले टर्म में आते हैं, यहां ये भी कहा जाता है स्टूडेंट कि दो फंक्शन या दो से अधिक फंक्शन प्लस या माइनस से अगर टेस्ट हो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 7 डीएक्स, तब क्या होगा कि यह ऑपरेटर सभी फंक्शन के लिए अप्लीकेबल होगा, ये प्लस और माइनस से ऐड होना चाहिए, मतलब आप इसे क्या लिखेंगे, चलिए नीचे से लिखे, आप इसे आई भी सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट, आई भी लिख सकते हैं, तो आप इसे एक्स स्क्वायर और डीएक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, डीएक्स लिखे माइनस 5 एक्स डीएक्स प्लस 7 डीएक्स, ऐसे लिखे। अब देखिए इसका तो गया x स्क्वायर है, तो x 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 5, ये ऑपरेटर से बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, अभी प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो ये हो गया x dx, और 7 भी आपका बाहर हो गया स्टूडेंट। अब इस पे कंफ्यूजन नहीं रहेगा, dx का मतलब x का पावर 0 dx है, एक बार हम लिख दे रहे हैं, तो ये आ गया x क्यू बाई 3 माइनस 5, x का हो गया 1 पावर है
तो 1+1/1+1 और 7 ये यक्स का पावर 0+1/0+1 इंटीग्रेशन कर चुके, एक कांस्टेंट लगा दो सी। अब ये आ गया फाइनल यक्स क्यू आई 3-5x2 5x2/2 और +7 और ये यक्स हो गया और डिवाइडेड बाय 1 है और प्लस आपके पास में सी आ गया। तो इस प्रकार से ये भी प्रॉपर्टीज आया कि अगर ये प्लस माइनस से फंक्शन अटैच्ड है तो ये ऑपरेटर क्या होगा कि सभी फंक्शन के ऊपर अप्लीकेबल होगा और इंडिविजुअल आप सभी फंक्शन पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज हम पिछले लेक्चर्स में आपको हमने बताया, कांस्टेंट टर्म जहां भी आएगा ऑपरेटर से बाहर कर लोगे और प्लस माइनस में सभी फंक्शन के ऊपर आप ऑपरेटर लगा लोगे। तो इस प्रकार से आप स्ट्रेन करोगे। अब कहीं कहीं क्या होगा कि आपको सॉल्व करने के लिए, जैसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, नंबर 3 ये √x+1/√x का हम होल स्क्वायर। अब क्या होगा कि जब होल स्क्वायर है स्टूडेंट, अब इंडिपेंडेंट है तो आप उसमें इंटीग्रल की बात कर रहे हैं तो आई भी लेना है, आई मान लो, तो a+b के होल स्क्वायर से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया, चलिए दिखाते हैं, a² + b² + 2a (b)(dx) ये आ गया। चलिए पूरी बात आपको लिखकर हमने दिखा दिया। अब ये क्या हो गया, √x² इसका हो गया 1/x और यहां ये कैंसिल हो गया +2dx। तो होल स्क्वायर होल क्यूब जहां तक आप पॉसिबल लग रहा है वहां तक आप उसे सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके आप उसे इंटीग्रेशन करेंगे। अभी यस, तो ये अब क्या होगा, ये प्लस से जुड़ा हुआ है फिर इंडिविजुअल सबके ऊपर लगेगा, यक्स डीएक्स हो गया +1/(x)dx हो जाएगा और +2 बाहर कर लिए डायरेक्ट कर लिए 2dx हो गया। यक्स का हो गया एक एक जोड़ेंगे तो x²/2 लिख लिए, इसका हो गया log |x लिख लेते हैं, मॉड में लिखते हैं क्योंकि log पॉजिटिव निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव पढ़ने पर नहीं होगा और +2x हो गया और प्लस हमारे पास कांस्टेंट हो गया। तो जरूरत पड़ने पर इस प्रकार से आपको स्टूडेंट सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए क्या है नंबर 4 में क्या है कि आपको हो सकता है कि कई फैक्टर वगैरह भी निकालना पड़े उसमें पूरी। अब नंबर 4 है उसमें x³+1। अब देखिए इसमें फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब ये आप अलर्ट रहिए कि हम किस प्रकार का कैलकुलेशन आपके पास में रहेगा और आप उसे करिएगा। -2 ये इसका सॉल्व, कोई हड़बड़ाह का ऑप्शन नहीं होनी चाहिए, आप सिंपल आप फॉर्मूला को यूज करने सीख रहे हैं। देखिए आप यहां a³ + b³ आप रख सकते हैं, a³ + b³ आप रख सकते हैं, क्या हो गया a+b² + b² - ab(x-2) यह। अब आप इसे फैक्टर कर लीजिए, x²+x - dx ये हमारे पास x+1 हो गया, x²-x+1 हो गया और x-2 हो गया, डिवाइडेड बाय x²-x - 2+1, x-2dx हो गया। अब ये हमारे पास x²-x+1, x²-x+2 इसका एक फैक्टर x+1 हो गया और इसका एक फैक्टर x-2dx हो गया। ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो इस प्रकार से आप पूरी कैलकुलेशंस करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि फिर ये फाइनल हमारे पास आ गया x²-x+1dx।
अब आप इसे अलग कर लेंगे, यक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस यक्स डीएक्स और प्लस डीएक्स हो गया। अब ये यक्स क्यूब बाई थ्री हो गया, यक्स स्क्वायर बाई टू हो गया और डीएक्स का हमारे पास यक्स हो गया और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। इस प्रकार से करेंगे तो कहीं कहीं आपसे पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे और आराम से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आप किसी भी क्लास को जब शुरू करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, इंटीग्रेशन जब शुरू करेंगे तो सभी किताब में जो फर्स्ट चैप्टर है इंटीग्रेशन का, वो चैप्टर इसलिए ही बनाया गया है जिससे कि आप फॉर्मूला को याद कर पाए, उसमें फॉर्मूला को याद कर पाए। इसके कारण से जो सेकंड चैप्टर होता है वहां से हम मैथड की बात करेंगे, मतलब इसका जो सब अगला लेक्चर होगा उसमें हम इसके मैथड्स का यूज करेंगे कि कितने प्रकार के मैथड होते हैं और उसमें फर्स्ट मैथड से हम लोग इंटीग्रेशन निकालने का काम करेंगे। उसमें आज के डेट का जो प्रॉब्लम है उससे सिर्फ हम फॉर्मूला याद करने का काम कर रहे हैं। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर जैसे फाइव देखते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ले रहे हैं कि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो, ये हमने क्वेश्चन दिया। अब ये देख रहा है स्टूडेंट कि ये रूट है तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग है कि ये यक्स का पावर हाफ डीएक्स है। अब आप इससे पहले मल्टीप्लाई करें, अब यू इंटू भी मत समझे, आप प्लस माइनस में उसको लाने का कोशिश करें, वन से मल्टीप्लाई करेंगे हाफ, और इसका पावर एक है, मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाएगा तो थ्री बाई टू डीएक्स हो गया। ये अब क्या कीजिए कि दोनों को अलग कर लीजिए, इंटीग्रल ऑपरेटर दोनों के ऊपर अप्लीकेबल होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यक्स का पावर थ्री बाई टू डीएक्स हो गया। अब यह आ गया, अब इसमें एक आप एड कर लीजिए सर, यह यक्स का पावर थ्री बाई टू प्लस वन और थ्री बाई टू और प्लस वन और प्लस हमारे पास सी आया। अब ये थ्री बाई टू हो गया तो टू ऊपर चला जाएगा तो टू बाई थ्री यक्स का पावर थ्री बाई टू, ये दो एलसीएम पांच बटे दो है तो टू बाई फाइव यक्स का पावर फाइव बाई टू प्लस सी। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई भी आप करेंगे और यहां रूट वगैरह है या कोई शॉर्ट वगैरह है तो उसके हिसाब से आप उसको एडजस्ट करके आप उसमें मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। अब जैसे साइन कॉस में भी आप ले सकते हैं क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिससे फॉर्मूला आपको याद रखा जाता है। जैसे नंबर सिक्स ले लिए, ये हम ले लेते हैं टू माइनस थ्री कुछ ले लें, साइन एक्स ले लेते हैं और डिवाइडेड बाय हम कर लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये इंटीग्रेशन हमने आपको। तो देखिए फॉर्मूला बनाएंगे पहले, जो फॉर्मूला आपको याद है। अब देखिए क्या है, टू बाई इसे हम कॉस स्क्वायर यक्स लिख सकते हैं और थ्री साइन यक्स बाई इसे भी हम कॉस स्क्वायर यक्स डीएक्स लिख सकते हैं, ये रहा। अब यह आ गया टू कॉस ऊपर गया तो सेक स्क्वायर एक्स और माइनस थ्री और साइन बाई कॉस हो गया टेन एक्स और वन बाई कॉस बचा तो ये हो गया सेक एक्स डीएक्स। इस प्रकार से अब क्या करिएगा आप इसे, अब अलग कीजिए, टू कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स हो गया, थ्री बाहर हो जाएगा टेन एक्स सेक एक्स डीएक्स हो जाएगा उसमें। अब यहां से टेन सेक स्क्वायर का हो गया टेन एक्स, थ्री हो गया और टेन इंटू सेक एक्स का आपका हो गया सेक एक्स और प्लस आपके पास ये कांस्टेंट आपके पास में आ गया। तो इस प्रकार से ट्रिगो में, चूंकि देखिए डिफ्रेंसिएशन में क्या होता था कि साइन का कॉस का टेन का कॉट का सेक का कॉसेक का सभी का हम डिफ्रेंसिएशन जानते थे, तो आपको ये अरेंज करना होगा ब्रेन में कि अभी जो बेसिक हमने डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला प्राप्त किए उस फॉर्मूला में हम किसका किसका फॉर्मूला याद है, साइन का फॉर्मूला जानते हैं, उसके बाद हम
साइन के बाद आएंगे कॉस का फॉर्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन में, उसके बाद हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, फिर सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, फिर हम कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं, फिर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं। तो आप जिस का इंटीग्रेशन अभी जानते हैं उसी के फॉर्मेट में आप उसे चेंज करेंगे और तब आपका इंटीग्रेशन आपका स्टूडेंट निकलेगा। एक क्वेश्चन और लास्ट लेते हैं स्टूडेंट। अब एक क्वेश्चन हमने लिया स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ये स्टेटमेंट देखिए क्या है, डी वाई बटे डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स गिवेन है हमारे पास, हमें वाई पूछा जा रहा है। आप इसे डी वाई स्क्वायर टू हम लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, और इस डी एक्स को हम इधर भेज देते हैं डी एक्स लिख दिए। अब वाई निकालेंगे तो कैसे वाई निकलेगा, दोनों तरफ चूंकि फंक्शन में आ रहे हैं तो इसका मतलब है स्टूडेंट कि हमें इसका इनवर्स प्रोसेस मतलब इंटीग्रेशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, दोनों साइड आप इंटीग्रेशन दे दीजिए कॉस एक्स और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। अब यहां डी वाई का इंटीग्रेशन हमारे पास स्टूडेंट आ गया, ये सॉल्यूशन वाई हो गया, यहां प्लस से कनेक्टेड है तो ये हो गया कॉस एक्स डी एक्स और प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अरे फाइनली वाई इज इक्वल टू। अब देखो उसमें तक होता क्या कि अगर फॉर्मूला भूल जाते हो तो डेरिवेटिव से याद करने का कोशिश करो, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो कॉस का इंटीग्रल साइन होगा, तो इसका हो गया कितना साइन हो। अब देखो टाइम का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना होगा टेन एक्स होगा, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं तो टेन एक्स हो गया और प्लस कांस्टेंट हो गया सी। अब इसी सी को निकालने के लिए ये कंडीशंस क्वेश्चंस में दिया हुआ है। अब ये सी को निकालने के लिए कहता है कि अगर हम लेते हैं कि वेन एक्स इक्वल्स टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो, चलिए तो वाई जीरो हो गया, वाई जीरो हो गया और ये साइन जीरो हो गया, टैन जीरो हो गया और प्लस सी हो गया, साइन जीरो जीरो टैन जीरो जीरो और फाइनली आ गया सी बराबर जीरो। और जब सी जीरो हो गया स्टूडेंट तो सी का वैल्यू आप फर्स्ट में आप रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए तो फ्रॉम फर्स्ट से सी का वैल्यू रखेंगे तो वाई इज इक्वल टू आ गया साइन एक्स और प्लस हमारे पास टैन एक्स आ गया। यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे कि स्टूडेंट ये जो कंडीशंस क्वेश्चंस में दिए हुए होंगे उसी कंडीशंस पर डिपेंड करेगा इस सी का वैल्यू क्या होगा, और जब सी का वैल्यू आप निकाल लेंगे और उसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे उसमें तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम स्टूडेंट आपको मैथड की बात करेंगे कि किस मैथड से आप ये बेसिक्स है फॉर्मूला को याद रखने के लिए, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टूडेंट हम लेकर आएंगे कि आप किस प्रकार से डेरिवेटिव अपना फाइंड करेंगे स्टूडेंट, मतलब मैथड्स क्या होंगे इस पर लेक्चर्स होगा। और आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट हम आज यहां समाप्त करते हैं।